यूटीवी नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। दो मासूम लड़कियां और एक मासूम लड़के की हुई मौत तालाब में डूबने से। तफसीलात के मुताबिक KBHP कॉलोनी फेज 4 के इलाके एक हादसा पेश आया जिसमें दो लड़कियां और एक लड़का तालाब में गिरकर डूब गए खेलते वक्त और उन तीनों की मौत हो गई डूबने से। रामिया 7 साल का, संगीता 12 साल की और सोफिया 10 साल की। तीनों की मौत हो गई तालाब में डूबने से। इन तीनों के साथ और दो लड़कियां खेल रहे थे तालाब के पास। इन तीनों को डूबते हुए देखकर फौरन वालिदैन को इतला करने गए। जब तक वालिदैन मुकामे हादसे से पहुंचे तब तक तीनों डूब चुके थे। उन लोगों की मौत वाक़ हो गई थी और उसमें से एक लड़की की लाश तैर रही थी तालाब में। वालिदैन ने फौरन पुलिस को इतला किए। पुलिस मुकामे हादसा पहुंचकर रेस्क्यू टीम के साथ दो लाश को बाहर निकाले। वाज़े रहे बताया जा रहा है इससे पहले भी इस तालाब में दो लड़के गिरने से डूबने से दोनों की मौत हो गई थी। आइए नाज़रीन देखते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। UTV नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो कुछ नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। इधर पता नहीं किस तरह से आए, कह रहे कि बाथरूम करने के लिए कि खेलने के लिए आए, किस तरह से आए हम देखे नहीं। और रोज आते तो बोलते थे कि मत जाओ उधर। हेलो, इन आज उन लोगों को कहाँ ले गए, कहाँ ले गए, कब पे गिर गए वो छुपा ली बोली नहीं। बच्चे, तीन बच्चे, तीन बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या है जी? रम्या, सोफिया, संगीता। किसने बताया पर गिरने के होने पर? उठाने बैठी थी। नव्या है ना? नव्या, वो ऐसा कर बताई कि मम्मी। तुम कह रहे हो कितने समय को हुआ है इंसिडेंट? अरे करीब 3 बजे का ये बात है, हम लोग नहीं जानते थे। हमको लगा स्कूल का चक्कर पर गई होगी।